मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज दिन है मंडे का और मैं बना रही थी डिनर। तो सूर्यांशी यहाँ पे एग्ज़ाम देकर आ चुकी हैं और बस आते ही उन्होंने बोला है कि पापा ने कुछ मेडिसिन मंगाई है नीचे। और ये देखें पूर्ति कितना प्यार कर रही है दीदी को और कितना इंतज़ार रहता है उसको दीदी का। और दीदी शूज वूज निकाल रही है। ज़्यादा केयरिंग है चूँकि छोटा बेबी हो ना। गंदी बात। चलो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू के पराठे, वो भी बढ़िया मस्त वाले। तो मैंने अदरक ग्रेट कर लिए, एक हरी मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बच्चों को तीखा लगेगा। और आलू बॉयल हो गया है तो फटाफट से इसको छील लेते हैं। तो इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ना, तो थोड़ा जल्दी से वो हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और सभी को भूख लग रही है, सूर्यांशी भी आ चुकी हैं, तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। सूर्यांशी सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए जाती हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है। अभी बज रहे हैं 9:30 और मैंने लंच नहीं बनाया है, तो बस ये उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। और फटाफट से मैं ग्रेट कर लेती हूँ आलू को, काफ़ी गर्म है तो हाथ भी जल रहा है, लेकिन ये जल्दी से बना देते हैं, सबको भूख लग रही है। और आप लोग भी आ जाइएगा बढ़िया से मस्त वाले पराठे खाने के लिए, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ी सी किसी खटाई और उसके साथ से धनिया पाउडर और गरम मसाला। और यहाँ पे ये राजमा रखा था, मैं जब तक धुल करके इसको भी चढ़ा देती हूँ तो ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसको पहले फुला देते हैं। तो ये रात भर से फूल रहा है, अब गर्म होने लगा है तो अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हो गए हैं, तो जल्दी से इसको हम चढ़ा देते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये राजमा हो छोले हो, इनमें कम से कम 3 सीटी तो लगनी ही लगनी है। तो इसको सेम आँच पे हम चढ़ा देंगे, पहले सीटी बन जाएगी। और इधर जब तक हम आलुओं के पराठों को बना लेते हैं क्योंकि सबको भूख लग रही है और मुझे भी लग रही है। ये जब तक भूख लग रही थी तो बच्चों को मैंने भुजिया दे दी है, वो जब तक खाएँगे जब तक मैं इधर पराठों को सेक लूँगी। धूप काफ़ी तेज़ है तो कितनी परछाई आ रही है आप देख रहे होंगे, कितनी लाइटिंग आ रही है। और लाइट चली गई है इस टाइम पे, तो इस तरह से हम जल्दी से काम कर लेते हैं अपना। किचन में खिड़कियां हैं तो धूप अच्छे से आती है और रोशनी भी बहुत अच्छी आती है। तो अगर लाइट नहीं भी है तो थोड़ा बहुत काम चल जाता है, ये देख रहे होंगे आप। तो इसको सिम आँच पे कर दिया, इधर हम तवा चढ़ा देंगे अपना और बेल लेंगे पराठों को। तो पराठे मैं बिल्कुल सिंपल स्टाइल के बनाऊंगी और खूब सारा आलू भर करके बनाऊंगी, थोड़ा बहुत आलू भर करके नहीं, क्योंकि आलू के पराठे हों और आलू ना हो उसमें, सिर्फ नाम के लिए हो तो आलू के पराठों का टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह से हम बनाएंगे कि इसको ज़्यादा बेलना ना पड़े और जाए फटे भी ना। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं ये और टेस्टी भी बनते हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती हमने कम डाली है क्योंकि मेरे पास थी नहीं। तो ये देखिए कितने बढ़िया वाले लाल लाल तब पराठे बन रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। तो ये देखिए ये दिखाती हूँ मैं। तो चलिए क्या चाहिए तुम्हें? बच्चों को चाहिए, अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे। चलो बैठो, चलो। वहाँ पे बच्चे बैठकर पराठे खा रहे थे, सभी ने खा भी लिया है। तो हमारी पूर्ति को चोच चाहिए था। चाहिए? चोच है? नहीं चाहिए क्या है? चोच किसको चाहिए? दीदी को चाहिए? किसे चाहिए? दीदी को? तुम नहीं खाओगी? तुम्हें चाहिए? और अभी निकलवा लो, अब दोबारा नहीं दे पाऊंगी मैं, बता दे रही हूँ दाना, क्योंकि पोर्टल छूट गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसा बना पराठा है? अच्छा। चलो अभी हम और बना रहे गर्मा गर्म। तो यहाँ पर मैं लोगों को पराठे दे रही थी और ये खाकर जा चुके हैं, इनको देर हो रही थी। तो ये देखिए मैंने और भरता बना लिया है और फटाफट से हम बना देंगे। तो इस तरह से रोटियों की तरह बेल करके इस तरह से
इस पर लगा करके स्प्रिट करके आप बहुत सारा आलू भर सकते हैं, जितना चाहते हैं उतना। बहुत टेस्टी बनते हैं ये पराठे। ये देखिए सेब देख ले आप, लग रहा होगा इधर उधर जा रहा है, लेकिन जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बन जाता है। और ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, बहुत आलू भरा है इसमें, बहुत टेस्टी लगते हैं आलू के पराठे। अगर आप एक पराठा भी खा लेंगे ना तो आपकी भूख सही से अच्छे से हो जाएगी और आत्मा भी तृप्त हो जाएगी, इतने टेस्टी पराठे लग रहे हैं। सिंपल बनाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, लेकिन बनते बहुत टेस्टी हैं, तो मैं जल्दी से सबको दे देती हूँ। हाँ, इनको और चाहिए था, ये नहा करके आए हैं, तो मैं इनको एक पराठा और दे दे रही हूँ। आधा चाहिए, आधा तो गुंजन को दे दिया। अभी रुक जाना, गरम है। और अब मैं बना लूँगी एक रोटियाँ, क्योंकि मुझे पराठा नहीं खाना है। आधा गुंजन ने छोड़ा है, मैं वही खाऊँगी। मुझे पराठा खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयली मैं नहीं खा पाती हूँ, मुझे दिक्कत हो जाती है। तो एक तरफ मैंने बना ली रोटियाँ, एक तरफ मैंने राइस और राजमा। और इधर देखिए बच्चों की मस्ती कैसे चल रही है, आप देख सकते हैं। दिन भर ऐसे ही मस्ती करते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं, रोते हैं, यही चलता रहता है इन दोनों का। ये देखिए, तो मैंने सोचा इन लोग को भी दिखा देते हैं ये लोग करते क्या रहते हैं। ये देख रही हैं आप, पागलों वाले खेल हैं, दिन भर ऐसे खेल। और घर की तो हालत ही मत पूछिए, दिन भर फैलाती हैं, दिन भर। ये देखिए अभी चोट लगेगी तो मम्मी मम्मी मम्मी। ये देखिए, यहाँ से उठाया वहाँ गिरा दिया, वहाँ से उठाया यहाँ गिरा दिया, बस यही चलता रहता है। और सूर्यांशी की तो बुरी हालत करती है ये, और ये कहीं जा रहे हैं किसी काम से। आई होप सो कि आपको आज का वीडियो, आज की रेसिपी आलू के पराठे बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।